वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ऑफ एक्सरसाइज 4.2। द क्वेश्चन सेज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, आपको गिवन क्या बच्चा, आपको गिवन है एक राइट ट्रायंगल गिवन है, राइट ट्रायंगल आपको गिवन है, आपको मेंशन है कि जो उसकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ये क्या है एल्टीट्यूड है और ये क्या है बेस है और ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? अब बात सुनो बेटा, यहां पर मेंशन क्या है, आपको मेंशन है जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल की वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके देखो बच्चे, अगर बेस को अगर हम एज्यूम करके चलते हैं एक्स सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितनी वो है आपकी एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है क्लास, बात समझ में आ रही? देखो बेटा, यहां पर गिवन है एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है बात, ओके देन इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अगर हाइपोटेन्यूज जो है इसकी वो है 13 सेंटीमीटर, ये अगर 13 सेंटीमीटर है तो बताइए कि इसकी अदर टू साइड्स जो है कितने कितने सेंटीमीटर की होगी। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही? देखो कंटिन्यू करते, देखो सबसे पहली बात, पहले तो बच्चे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल बी एक्स सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा एल्टीट्यूड, वो है 7 लेस देन द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। ओके क्लियर बात है? वेरी गुड। अब बच्चे बात सुनो, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता चल गया और एल्टीट्यूड पता चल गई, तो आपको पता है बच्चे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये होगी ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब बात सुनो, परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज एक्स माइनस 7, पुट द वैल्यू हियर, प्लस बेस इज एक्स सेंटीमीटर, एक्स का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज गिवन टू यू दैट इज 13 सेंटीमीटर, तो यहां पर आएगा 13 का स्क्वायर। चेक इट आउट, एनी डाउट? क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई? देखो परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड गिवन है एक्स माइनस 7, बेस इज एक्स सेंटीमीटर एंड द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ओके, तो कंटिन्यू करें फिर, इसको आगे हम इतना आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। अब बच्चे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमने क्या करा, गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर बात है? अब इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे बच्चे, बात सुन ध्यान से, यहां पर आपकी लगेगी आइडेंटिटी कौन से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बच्चे, ये होगा आपका ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी इज 7 प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी प्लस में है। ओके स्टूडेंट्स, बात के लिए अब बात सुन बेटा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14x, और ये हो जाएगा आपका 49 इक्वल्स टू 169। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब एक काम करो बच्चे, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लो बेटा एक बार, चेक करो, कंफ्यूजन है तो बताएंगे आप। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब देखो बेटा ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स है, अब आपका क्या होगा, माइनस में 169 है प्लस में 49 है, तो सबट्रैक्शन होगा, आंसर क्या आएगा आपका, माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात बच्चे? अब देखो बच्चे, इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, हाँ टू कॉमन है, तो हम टू को बाहर निकालेंगे, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चेक इट आउट, देखिए बच्चे
यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करेंगे आप, नहीं है ठीक है। अब बच्चों जब हमने इसको पूरा सॉल्व आउट किया तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो। ओके अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व आउट करना है ठीक है। अब बच्चे कोई और भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ठीक है, बट लेकिन अभी तक बच्चे आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे ठीक है। अब इसको बच्चे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, कंटिन्यू करें फिर इसको ठीक है। वेरी लेट्स कंटिन्यू। अब बात सुन रहा ध्यान से, ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी गुड। अब बच्चे हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म इज माइनस सिक्सटी माइनस सिक्सटी, तो क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी। अब बच्चा आपने क्या करना, माइनस सिक्सटी एक्स स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है ताकि ऐसी दो टर्म्स आपको मिले ठीक है जिनका सम कितना आ जाए, माइनस सेवन एक्स आ जाए, माइनस सेवन एक्स ठीक है। बात सुनो बेटा, माइनस में सेवन एक्स आ रहा है ठीक है, और प्रोडक्ट भी आपका नेगेटिव में आ रहा है, बात सुनो बेटा, तो इसका मतलब ये एक नंबर जो एक टर्म जो आपकी है वो नेगेटिव होगी, दूसरी टर्म आपकी पॉजिटिव होगी, ये बात तो क्लियर होगी, वेरी। अब मिडिल टर्म आपकी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब बिगर नंबर आपका नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली बात है तभी तो नेगेटिव आएगा ठीक है, क्लियर बात है, बिगर नंबर आपका नेगेटिव, स्मॉलर नंबर आपका पॉजिटिव। अब बात सुनो बेटा, अब बात सुनो, 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12x into 5x, 12 पंजे 60, 12 into 5 is 60, x into x है x square, clear? अब बेटा नेगेटिव चाहिए तो अगर बिगर नंबर को मैं नेगेटिव ले लूं 12x, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, माइनस 60 एक्स स्क्वायर आ रहा है, सम कितना आ रहा है इन दोनों को देखो, माइनस 7x आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब एक काम करना है बच्चे, आपने जहां पर 7x है उसकी जगह पे आपने लिखना है माइनस 12x प्लस 5x ठीक है, माइनस 60 इक्वल्स टू जीरो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चेक कर लीजिए यहां तक, चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर कोई कंफ्यूजन बताओ नहीं है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं ठीक है बच्चे, बात क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में तो आपका एक्स कॉमन आ रहा है तो आपका आएगा एक्स माइनस 12, और इन दोनों टर्म्स में आपका 5 कॉमन आ रहा है, यहां पर आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको मिल जाएगा x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, x माइनस 12 मल्टीप्लाई में x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, नो कंफ्यूजन। अब देखो बेटा दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसका मतलब ये होगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू जीरो और x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हो जाएगा x आपका आ जाएगा 12 और x की वैल्यू आप कह यहां से माइनस 5, देख लीजिए बच्चे चेक इट आउट, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक ठीक है, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बेटा x की वैल्यू आपके 12 भी आ रही है, x की वैल्यू आपके माइनस 5 भी आ रही है ठीक है, तो इन दोनों में से करेक्ट वैल्यू कौन सी है बताएंगे आप। देखो बेटा आप बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ठीक है, और x का था बेसिकली बेस की लेंथ थी, है ना, बेस कितने सेंटीमीटर की वो था। आपने बच्चे कभी देखा है कभी जो साइड ट्राइंगल की नेगेटिव होती है, नहीं होती है ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये तो हम लेंगे ही नहीं ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 12 होगी, बिकॉज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये लेंथ ऑफ एनी फिगर, किसी फिगर की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती है ठीक है बच्चे, ये बताया वो बात ठीक है, तो यहां से बेस आ जाएगी आपकी कितनी 12 सेंटीमीटर। ओके लेंथ ऑफ साइड of a triangle cannot be negative, negative नहीं हो सकती ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा therefore base of right triangle is equals to कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्लियर है बच्चे, बात समझ में, अगर बेस जो है 12 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड कितनी है, अगर बेस 12 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कितना होगा, हैंस एल्टीट्यूड
of right triangle is equals to मैंने x minus 7 है, that means 12 minus 7 equals to 5 centimeter. ठीक है students, बात समझ में आ गई. तो यही हमें find out करना था, यानी कि other two sides जो है हमें find out करनी थी. Hypotenuse हमें पता था, altitude आपकी 5 centimeter आ गई और base आपकी आ गई 12 centimeter. ठीक है बच्चे, अगर फिर भी कोई confusion होता है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं बच्चे. ठीक है, clear बच्चे. तो मिलते हैं next video में with question number 6. Till that, जय हिंद. Take care and thank you.